नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, हिंदुस्तान की अभिनेत्री हैं कंगना रनौत। इन्होंने मोदी जी से साल 2000 के शुरुआती दशक वाला गुजराती विराट रूप बंगाल में दिखाने के लिए कहा और उसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। कंगना रनौत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ट्विटर पर मांग की थी कि वो बंगाल में ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए साल 2000 के शुरुआती दशक वाला विराट रूप दिखाएं, ममता की गुंडाई को खत्म करने के लिए सुपर गुंडाई करें। कंगना ने लिखा था कि वो, मतलब ममता, एक राक्षस की तरह हैं, उसी तरह मोदी जी आप भी अपना साल 2000 के शुरुआती दशक वाला विराट रूप दिखाइए। अब मोदी जी का साल 2000 के दशक वाला विराट रूप कौन सा है, इसकी जानकारी में मोदी जी के जीवन में 20 साल पीछे यानी 2002 में चलते हैं तो हमें मिलता है कि साल 2002 में गुजरात दंगा हुआ था, जहां सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए थे, मोदी जी की छवि बदल गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी तक को मोदी जी से राजधर्म का पालन करने के बारे में कहना पड़ गया था। खैर, वक्त इतना डीप जाने का है भी नहीं, लेकिन कंगना की मूर्खता ने मोदी जी को भी असहज कर दिया होगा। बेवकूफी में कंगना ने मोदी जी से 2002 वाला गुजरात दंगों वाला समय रिपीट करने के लिए कह दिया था। इसे ट्विटर ने अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन माना और कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें आने लगी थी, कई वीडियो वायरल हो रहे थे। ममता बनर्जी और देश के गृह मंत्रालय को ऐसा होने से रोकना चाहिए था। देश में हार या जीत के बाद किसी भी तरह की हिंसा सही नहीं है। बंगाल की इसी हिंसा को लेकर कंगना ने ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए चापलूसी में ट्वीट किया, लेकिन यह चापलूसी भरा ट्वीट भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी अपमानजनक था। जिस समय के बारे में जिक्र करते हुए कंगना ने मोदी जी से विराट रूप दिखाने की मांग की थी, उस समय यानी 2002 में गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। और कंगना के ट्वीट का मतलब यह निकल रहा है कि 2002 में प्रधानमंत्री ने कोई विराट रूप लेकर के ये दंगे करवाए थे। कंगना ने लिखा, ये भयानक है, इस गुंडाई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडाई दिखाने की जरूरत है। वो, यानी ममता, एक दानव की तरह है जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी, उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। ये इंग्लिश में किए गए ट्वीट का हिंदी रूपांतरण है। हिंदुस्तान के समाज की प्रतिष्ठित महिला अदाकारा कंगना को ऐसे आक्रामक और भड़काऊ संदेशों से बचना चाहिए। समाज में हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। बंगाल की मुस्लिम आबादी को गुजरात की मुस्लिम आबादी से कनेक्ट करके, प्रधानमंत्री को दंगों से कनेक्ट करके वैसी ही कार्रवाई बंगाल में कराने की अपील सरासर गलत थी। कंगना रनौत बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जिन्हें बीजेपी सरकार ने वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। कंगना वही एक्ट्रेस है जिनका घर मुंबई में ठाकरे सरकार ने गिरा दिया था, तो देश भर ने कंगना का सपोर्ट किया था, लेकिन समाज में दंगे जैसी अपील गलत है। हिंदुस्तान में किसी भी तरह के क्राइम के लिए कानून है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय है, पुलिस है, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।